हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत पुलिस प्रशासन दिखा मुस्तैद, बेवजह घूमने वालों के काटे चलान और मास्क पहनने की देती रहे नसीहत। संपूर्ण राज्य में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होने के उपरांत रेवदर कस्बे में सुबह होते ही आवाजाही बढ़ गई। कस्बे में कई लोग मोटरसाइकिल लेकर निकलते हुए दिख रहे थे। कस्बे में बढ़ रही आवाजाही की सूचना पुलिस प्रशासन को मिलते ही प्रशासन अलर्ट हो गया। रेवदर थाना अधिकारी पदमपाल सिंह के आदेश पर पुलिस जाप्ता कस्बे की जगह जगह पर तैनात हो गया और बेवजह घूमने वालों पर शिकंजा कसते हुए सभी लोगों को घर में ही रहने को कहते हुए दिखाई दिए और प्रशासन द्वारा सभी को अवगत करवाया गया कि अभी लॉकडाउन हटा नहीं है, केवल जरूरी आवश्यकता होने पर ही अपने घरों से बाहर आए, अन्यथा नहीं। कस्बे की निगरानी के लिए निकले थाना अधिकारी पदमपाल सिंह भाटी ने रोड पर चल रही मोटरसाइकिल और गाड़ियों को रोकते हुए यहां आने का कारण पूछने के साथ मास्क पहनने को कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर निकला है तो उसे अपने मुंह पर मास्क बांधकर ही घर से निकले, अन्यथा नहीं। वहीं कस्बे के जीरावाल चौराहा पर तैनात यातायात प्रभारी रघुनाथ शोई और प्रभु राम अपना कार्य करते हुए दिखे और रोड पर वाहनों को लेकर घूम रहे लोगों को रोककर यहां आने का कारण पूछते हुए मालूम हुए और बेवजह वाहन लेकर आने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाहनों के चलान काटे गए। वहीं कस्बे में मॉडिफाइड लॉकडाउन का पालन करवाते हुए ASI वक्ताराम मीना, मांगीलाल जूटाराम, घेवर चंद, नाथूराम सुरेश कुमार, मुकेश कुमार उदाराम सहित कई पुलिसकर्मी कस्बे के मुख्य मार्ग पर तैनात थे। जागरूक टीवी के लिए रेवदर से विक्रम कुमार की रिपोर्ट।